दुनिया को कैसे बनाया गया, किसने बनाया, इस बारे में शास्त्रों में कई मत सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है इस संसार की रचना भगवान ने की है, तो कोई कहता है गॉड ने, तो या कोई कहता है कि इस पूरी दुनिया को अल्लाह ने बनाया है। अलग अलग धर्म ग्रंथों में सृष्टि की रचना को लेकर अलग अलग बातें कही गई हैं। तो वहीं विज्ञान के अनुसार संसार की रचना कुछ तत्वों से मिलने से हुई है, लेकिन विज्ञान के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। इस दुनिया की रचना के बाद इसमें रहने वाली मानव जाति कैसे आई और इंसानों से ही दुनिया आगे बढ़ती है, तो इस दुनिया का पहला मनुष्य कौन था जिसने इस दुनिया में मानव जाति को आगे बढ़ाया। चलिए फिर आज हम आपको बताते हैं दुनिया में जन्मे सबसे पहले पुरुष और स्त्री की कहानी। हिंदू धर्म के अनुसार पूरे संसार की रचना भगवान ने की और रचना के कई समय के बाद इस पूरे संसार में कोई प्राणी नहीं था, लेकिन भगवान ब्रह्मा को जब ये संसार अधूरा लगा तब उन्होंने मनु नाम के पहले इंसान की रचना की। हिंदू मान्यताओं से यही धारणा मिलती जुलती कुछ ईसाई धर्म में भी है। ईसाई धर्म के अनुसार इस दुनिया की रचना गॉड ने की है और इंसानी प्रजाति के पहले मनुष्य के रूप में एडम को इस धरती पर भेजा गया था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने जब मनु की उत्पत्ति की थी तो उसी समय एक स्त्री की भी रचना की थी जिसे हम सभी शतरूपा के नाम से जानते हैं। मनु और शतरूपा ने समस्त मानव जाति को आगे बढ़ाने का काम किया था और संसार में सबसे पहले इंसान के रूप में मनु था और स्त्री के रूप में शतरूपा थी। इसीलिए आज भी अंग्रेजी में पुरुष को मैन का नाम दिया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने देवों, असुरों और पितरों की रचना कर ली थी उसके बाद वो बहुत शक्तिहीन हो गए थे। ब्रह्मा जी ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब वो किसकी रचना करें जिससे उन्हें मानसिक शांति मिले। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए वो किसी काम में व्यस्त हो गए। तभी अचानक से उनके भीतर से एक काया निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। जब ब्रह्मा जी उस काया को देखा तो अचंभित ही रह गए, क्योंकि वो काया हूबहू भगवान ब्रह्मा की ही थी। कहते हैं कि यही काया ही प्रथम मनुष्य था जिसे स्वयंभू ने मनु का नाम दिया था। बाइबल के अकॉर्डिंग अगर हम आपको बताएं तो बाइबल में भी इंसान और गॉड से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां मिलती है। बस उस कहानी में फर्क ये था कि काया की जगह उसमें परछाई थी। हिंदू धर्म में मनु के साथ दुनिया की सबसे पहली औरत या महिला शतरूपा थी। वहीं ईसाई मान्यता में एडम के साथ पहली स्त्री एम्बेला थी। दोनों धर्म की मान्यताओं में कई जगह अलगाव भी हैं, लेकिन हिंदू पुराणों के अनुसार मनु एक मनुष्य नहीं बल्कि 100 पुरुषों का एक समूह था जिसे दुनिया के कई हिस्सों में भेजा गया और उसने स्त्री जाति के साथ मिलकर दुनिया को आगे बढ़ाया। मनुष्य की उत्पत्ति से जुड़ी ये सब बातें रोचक जरूर है, लेकिन धर्म और पुराणों में कही गई ये बातें केवल मान्यताएं ही हैं। लेकिन अलग अलग धर्म ग्रंथों को मानने वाले लोग अलग अलग मान्यताओं को मानते हैं, और आप किस मान्यता को मानते हैं ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।